हेलो एंड वेलकम टू डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड। मैं हूं बेंजामिन गिलानी और हम खेल रहे हैं देश के कुछ उज्जवल परिवारों के साथ ज्ञान की चुनौतियों से भरा ये अद्भुत क्विज शो। मिलते हैं आज की दोनों फैमिली से। प्लीज वेलकम द पंचमतियाज एंड द हलंकार्स। पंचमतिया परिवार में हैं रिया पंचमतिया, उनकी मम्मी मिसेस मेधा पंचमतिया, उनके पापा मिस्टर नीरव पंचमतिया और उनके भाई राज पंचमतिया। हलनकर फैमिली में है अमिया हलनकर, उनके पापा मिस्टर विक्रम हलनकर, उनके दादाजी मिस्टर पांडुरंग हलनकर और उनकी कजन सिस्टर स्निग्धा देओलकर। चलिए खेलेंगे राउंड वन। ये है 90 सेकंड का इंडिविजुअल जनरल नॉलेज राउंड। शुरू करेंगे आपसे। आइए पंचमतिया फैमिली, प्लीज। चलिए आपके साथ शुरू करते हैं राउंड वन। आपकी उम्र 12 साल। जनरल नॉलेज पर आपके 90 सेकेंड शुरू होते हैं अब। ग्रीक अल्फाबेट का पहला लेटर कौन सा है? पास। 600 टेस्ट विकेट लेने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है? पास। पावर का SI यूनिट किस स्कॉटिश इन्वेंटर के नाम पर रखा गया है? पास। 1868 से पहले क्योटो किस देश की राजधानी थी? पास। कौन सी बड़ी नदी इजिप्ट के बीच से बहती है? नाइल। करेक्ट। यूस्टेशियन ट्यूब शरीर के कौन से भाग के साथ संबंधित है? यो। करेक्ट। डॉल्फिन्स अपनी पूंछ को पानी पर मारकर अपने आप को सीधा रख पाती हैं, सही या गलत? सही। करेक्ट। सत्रिय किस स्टेट से जुड़ा एक क्लासिकल डांस फॉर्म है? आसाम। करेक्ट। मैथमेटिशियन पाइथागोरस का जन्म किस वर्तमान देश में हुआ था? पास। 1837 में इंग्लैंड की रानी कौन बनी? पास। कपिश द मंकी की कहानियों में सिगाल कौन सा जानवर है? पास। फैशन हाउस बेनेटन की स्थापना किस देश में हुई थी? पास। और इसी के साथ आपका समय समाप्त। रिया, राउंड वन के अंत में आपके 8 पॉइंट्स हैं और 8 ही पासेज हैं। वेल प्लेड। हलंकर्स, अब है आपकी बारी, आइए प्लीज। आपके साथ शुरू करेंगे राउंड वन। अमिया, आपकी उम्र 10 सर। जनरल नॉलेज पर आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। बच्चों की मशहूर किताबों की श्रृंखला में टॉमस द टैंक इंजन का रंग क्या है? ग्रीन। गलत, ब्लू। बत्तख के बच्चों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पास। आपके शरीर में ऑल्फैक्टरी सेल्स कहां स्थित हैं? पास। किस देश ने अपने आप को 4 जुलाई 1776 को आजाद घोषित किया था? USA। करेक्ट। हेरा और ज्यूस किस देश की माइथोलॉजी से जुड़े हुए हैं? ग्रीस। करेक्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन MS धोनी का जन्म किस शहर में हुआ था? पास। किस फ्लाइटलेस पक्षी के सिर पर एक सींग जैसा नर्म और स्पंजी क्रेस्ट होता है जिसे कास्क कहते हैं? ईमू। गलत, कैसावरी। रोमन नंबर 3000 में कितने M होते हैं? 3। करेक्ट। किस जगह आपको पिलर्स ऑफ हर्क्यूलिस कहते हैं, जिब्राल्टर या जर्मनी? जिब्राल्टर। करेक्ट। ऊंचाई के हिसाब से दुनिया की सबसे ऊंची प्रशासनिक राजधानी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सा है? पास। फिल्म इंग्लिश विंग्लिश में किस अभिनेत्री ने मुख्य किरदार निभाया है? पास। आपका समय समाप्त।
अमिया, इस राउंड के अंत में आपके पॉइंट्स हैं 8 और आपके पासेज हैं 5. वेल प्लेड, थैंक यू वेरी मच. राउंड 1 के बाद स्कोर्स हैं, पंचमतियाज हैं 8 पॉइंट्स पर और हरलंकज आप भी हैं 8 पॉइंट्स पर. वेल डन. राउंड 2 है जनरल नॉलेज कैटेगरी राउंड, जिसे पूरा परिवार एक साथ खेलेगा. पंचमतिया परिवार, आप आइए. रिया, आपने कौन सी कैटेगरी चुनी है? वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट एंड नेचर. हम खेलेंगे आपके साथ राउंड 2. आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब. 1835 में चार्ल्स डार्विन ने पैसिफिक ओशन में स्थित किस वॉल्केनिक द्वीप समूह की यात्रा की थी? रिंग ऑफ फायर. गलत, गैलापागोस. कौन सी प्राकृतिक घटना रेगिस्तानों और राजमार्ग यानी हाईवेज में दूर दिखने वाली वस्तुओं की विस्थापित छवि पैदा करती है? मिराज. करेक्ट. स्नोफ्लेक क्रिस्टल के शेप को डिटरमिन करने वाला सबसे बड़ा कारण कौन सा है? तापमान या नमी? नमी. गलत, तापमान. कौन से जंगल में ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जो अपने आप को नमकीन पानी में सर्वाइव करने के लिए अडेप्ट कर लेते हैं? टाइडल फॉरेस्ट. गलत, मैंग्रोव. माइसोर किस प्रकार की सुगंधित लकड़ी के लिए मशहूर है? पास. सैंडलवुड. करेक्ट. बेओबाब पेड़ की बहुत सारी शाखाएं और एक मोटा तना होता है, लेकिन बारिश के मौसम को छोड़कर उस पर कभी पत्तियां नहीं आती. सही या गलत? सही. करेक्ट. आसाम का कौन सा नेशनल पार्क है जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है और जहां पर हिस्पिड हेयर अपना घर बनाते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क. गलत, मानस. नमी वाली हवा के संघनन यानी कंडेंसेशन से बनने वाले निचले बादलों को क्या कहते हैं जो विजिबिलिटी को बाधित करते हैं? फॉग. करेक्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉर्न के बीच हैं. सही या गलत? सही. करेक्ट. रेगिस्तान में अकेशिया की झाड़ी को अपनी जरूरतों के लिए पानी वातावरण से मिलता है. सही या गलत? गलत. करेक्ट. एल्पाइन अपोलो बटरफ्लाई को अपने जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल पूरी करने के लिए कितने सालों की जरूरत होती है? पास. 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 ठंड के मौसम में होने वाले तूफान को क्या कहते हैं जिसमें ब्लोइंग स्नो और हवा का मिश्रण लो विजिबिलिटी का कारण बनता है? ब्लिजर्ड. करेक्ट. और इसी के साथ आपका समय समाप्त. पंचमतिया परिवार, आपके कुल मिलाकर 14 पॉइंट्स हैं और एक ही पास है. वेल प्ले. हरलंकज परिवार, अब है आपकी बारी, आइए प्लीज. अमिया, आपने कौन सी कैटेगरी चुनी है? ज्योग्राफी. आपके साथ हम खेलेंगे राउंड 2. आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब. कोलवा, कलंगूट और कैबिलोसिम नाम के बीचेस भारत के किस राज्य में है? पास. गोवा. करेक्ट. भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? लेक वुलार. करेक्ट. नक्शों के डिजाइन, ड्राइंग और पढ़ाई को क्या कहते हैं? पास. पास. कार्टोग्राफी. करेक्ट. इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन होता है, छत्तीसगढ़ या बिहार? बिहार. छत्तीसगढ़. कौन सी एशियाई राजधानी मे नाम चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है? पास. सियोल. गलत, बैंकॉक. किस अंतरराष्ट्रीय राजधानी के नाम का अर्थ है रेड हीरो? पास. 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 सान आंद्रियास फॉल्ट किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, नॉर्थ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? नॉर्थ अमेरिका. करेक्ट. सो मोरीरी जो एक हाई ऑल्टीट्यूड झील है, भारत के किस राज्य में स्थित है? पास. पास. अरुणाचल प्रदेश. गलत, जम्मू एंड कश्मीर. नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर रोएल्ड अमंडसन साउथ पोल पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे. सही या गलत? सही. सही. कौन सी राजधानी को लगभग पूरी तरह से जियोथर्मल हीटिंग द्वारा ऊर्जा दी जाती है? रेग्जाविक. करेक्ट. कौन से दक्षिण भारतीय राज्य को इंडियाज स्पाइस गार्डन के नाम से बुलाया जाता है? कर्नाटक. गलत, केरला.
वॉशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? मिसिसिपी। पोटोमैक। इनमें से क्या ज्यादा लंबा है, भारत के लैंड बॉर्डर्स या भारत की कोस्ट लाइन? लैंड बॉर्डर्स। करेक्ट। पांच में से कौन सी एक ग्रेट लेक पूरी तरह यूएसए की सीमाओं के अंदर स्थित है? लेक सुपीरियर। गलत, लेक मिशिगन। और इसके साथ आपका समय समाप्त। हलंकर परिवार, आपके पॉइंट्स हैं 14 और आपका पास है 1। थैंक यू वेरी मच। दो राउंड के बाद टोटल स्कोर्स हैं पंचमतियाज के 22 और हरलंकर्स के भी 22। और अब वक्त है एक ब्रेक का। देखेंगे कौन सी फैमिली ने चुना है कौन सा सब्जेक्ट। बने रहिए ऑन डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड। अब खेलेंगे हम राउंड 3। ये राउंड है 90 सेकंड का स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट राउंड। पंचमतियाज आपके साथ शुरू करेंगे, आइए प्लीज। किसको नॉमिनेट करेंगी आप इस राउंड के लिए? मेरे पापा। आपके साथ शुरू करेंगे राउंड 3। आपकी स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ एम्परर अकबर। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म कहां हुआ था? उमरकोट। करेक्ट। अकबर की माँ का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। करेक्ट। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर की सेना ने किस हिंदू जर्नैल को हराया था? किंग हेमू। करेक्ट। बचपन में अकबर के अभिभावक यानी गार्डियन कौन थे? बैराम खान। करेक्ट। अकबर के नवरत्नों में से अकबर नामा किसने लिखा जो अकबर के जीवन के बारे में है? अबुल फजल। करेक्ट। 1562 में कौन से राजपूत जनरल अकबर के राज्य में कार्यकृत हुए थे? पास। 2011 में किस यूएस मैगजीन ने अकबर को विश्व के 25 सबसे बेहतरीन लीडर्स में से एक चुना था? पास। अकबर ने आगरा के पास कौन सी नई राजधानी बनाई थी? फतेहपुर सिकरी। करेक्ट। मुगल सेना के नेतृत्व करते हुए 1567 में अकबर ने राजस्थान के कौन से किले पर जीत हासिल की थी? चित्तौड़गढ़। करेक्ट। 1561 में अकबर की सेना ने मालवा के कौन से संगीतकार राजा को हराया था? बाज बहादुर। करेक्ट। 1562 में सांबर में अकबर ने कौन से राजपूत राजा की बेटी से शादी की थी? जोधा। गलत। कौन से मशहूर बुद्धिजीवी अकबर के नवरत्नों में से एक थे? बीरबल। करेक्ट। आपका समय समाप्त। वेल प्लेड इंडीड। इस राउंड के बाद आपके पॉइंट्स हैं 18 और आपके पासेज हैं 2। थैंक यू वेरी मच। हरलंकर्स, इट्स योर टर्न नाउ, प्लीज आइए। अमिया, किसे चुना है आपने ये राउंड खेलने के लिए? मेरी कजिन सिस्टर। आपके साथ हम खेलेंगे राउंड 3। आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन फिल्म्स। आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन श्रृंखला की पहली 3 फिल्में किसने डायरेक्ट की थी? गौर वर्बिंस्की। करेक्ट। फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन डेड मैन्स चेस्ट में डेविड जोन्स के जहाज का नाम क्या था? द फ्लाइंग डचमैन। करेक्ट। द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल में ब्लैक पर्ल शिप का क्रू किस कारण श्रापित यानी कर्सेड था? एस्टेक गोल्ड। करेक्ट। फिल्म श्रृंखला में कटलर बेकेट किस कंपनी के चेयरमैन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। करेक्ट। तिया दालमा के अनुसार डेवी जोन्स के डेड मैन चेस्ट में क्या रखा था? हिज हार्ट। करेक्ट। कुल मिला के ब्रेदरिन कोर्ट में कितने पायरेट लॉर्ड्स होते हैं? 9। करेक्ट। ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स फिल्म में ब्लैक बियर्ड के जहाज का क्या नाम था? पास। ब्लैक पर्ल पर लगे श्राप को तोड़ने के लिए विल टर्नर को किस द्वीप ले जाया जाता है? इस्ला दा मुएर्ता। करेक्ट।
पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ल्ड एंड का सिंगापुर सेट किस मशहूर स्टूडियो में बनाया गया था? पास। फिल्म श्रृंखला में कैप्टन बारबोसा का किरदार किसने निभाया था? पास। फिल्मों में गूंगा पायरेट कॉटन लोगों से कैसे संवाद यानी कम्युनिकेट करता है? मकाओ से। करेक्ट। इसी के साथ आपका समय समाप्त। हरलांकर्स, इस राउंड के बाद आपके पॉइंट्स हैं 16 और आपके पासेस हैं 3। वेल प्लेड, थैंक यू वेरी मच। तीन राउंड्स के बाद स्कोर्स हैं इस प्रकार। पंचमतियाज हैं 40 यानी 40 पॉइंट्स पर और हरलांकर्स आप हैं 38 यानी 38 पॉइंट्स पर। दोनों ही डॉक्टर परिवारों में चल रहा है कड़ा मुकाबला। कौन बनेगा आज का विनर, देखेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं डिज्नी क्यू फैमिली मास्टरमाइंड और अब हम खेलेंगे राउंड 4। राउंड 4 है 2 मिनट का फैमिली जनरल नॉलेज राउंड, पर ये जरा सा अलग है क्योंकि यहाँ पर होती है नेगेटिव मार्किंग। इस राउंड को शुरू करेंगे उस फैमिली के साथ जिनका अभी तक का स्कोर थोड़ा सा कम है, एंड दैट इज द हलंकार्स। आइए प्लीज। आपके साथ हम खेलेंगे राउंड 4। आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब। किस यंत्र को इडियट बॉक्स भी कहा जाता है? टेलीविजन। करेक्ट। किस हिंदी फिल्म एक्टर का असली नाम कुलभूषण पंडित था? पास। 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 कौन से नेता को बांग्लादेश में बंगा बंधु के नाम से भी बुलाया जाता था? पास। 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 शेख मुजीबुर रहमान। करेक्ट। रॉजर फेडरर लगातार 237 हफ्तों तक नंबर 1 रैंक पर रहे। इस दौरान उन्होंने किस अमेरिकन खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ा था? पास। पास। जिमी कॉनर्स। करेक्ट। डेविड कॉपरफील्ड नामक किताब के लेखक कौन हैं? चार्ल्स डिकेंस। करेक्ट। हमारे शरीर के किस भाग या अंग का नाम ग्रीक में बैरिकेड या पार्टीशन के शब्द से लिया गया है? डायफ्राम। करेक्ट। कौन सी भारतीय राष्ट्रपति का मध्य नाम देवी सिंह है? पास। पास। प्रतिभा पाटिल। करेक्ट। एक लिबरिक में कितनी लाइंस होती हैं, 5 या 14? पास। 14। गलत, 5। क्या हरभजन सिंह ने कभी टेस्ट सेंचुरी बनाई है, हाँ या ना? हाँ। करेक्ट। कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 1971 का इंडो पाक युद्ध हुआ था? इंदिरा गांधी। करेक्ट। कौन से अफ्रीकी देश के आखिरी सम्राट का नाम हाइली सेलासी था? पास। पास। इथियोपिया। करेक्ट। ग्रेट ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी। करेक्ट। I'm sorry, आपने आउट ऑफ टर्न जवाब दिया है, इसे हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द इंग्लिश डिक्शनरी में पहले आता है, ओपरा या ओपनिंग? ओपनिंग। करेक्ट। और इसी के साथ आपका समय समाप्त। इस राउंड में आपका केवल एक पास है और आपके 20 पॉइंट आपके, लेकिन एक गलत जवाब, तो कुल मिलाकर पॉइंट्स हैं 19। वेल प्लेड। और अब बुलाते हैं पंचमतियाज को। आइए प्लीज। अब आपके साथ खेलेंगे राउंड 4। आपके 2 मिनट शुरू होते हैं अब। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? पास। 364। गलत, 366। किस मशहूर गायिका ने 2013 की मराठी फिल्म माई से अपना एक्टिंग करियर आरंभ किया? आशा भोसले। करेक्ट। ट्रिस्काइडेकाफोबिया किस नंबर का डर होता है? पास। 13। करेक्ट। सॉलिटेयर का खेल खेलने के लिए कितने प्लेयर्स की जरूरत होती है? पास। पास। एक।
करेक्ट। किस देश के राष्ट्रध्वज यानी फ्लैग को यूनियन जैक भी कहा जाता है? पास। यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट। मानव शरीर में विटामिन B3 या नायसिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है जिससे डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिप्रेशन होता है? पास। बेरी। गलत। पेलाग्रा। कौन सी पर्वत श्रृंखला ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच स्थित है? पास। 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 किस फिल्म में अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान ने पहली बार एक साथ काम किया? पास। 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 मोहब्बतें। करेक्ट। टैनिंग नाम की प्रक्रिया किस रॉ मटेरियल को तैयार करने में इस्तेमाल होती है? पास। लेदर। करेक्ट। अनुष्का शंकर कौन से वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के वादन के लिए मशहूर हैं? सितार। करेक्ट। विश्व का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ईनियाक यूएसए के किस यूनिवर्सिटी में बनाया गया था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। गलत। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यूएसएसआर के प्रीमियर कौन थे? पास। 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 स्टालिन। करेक्ट। शशि कपूर का विवाह कौन सी अंग्रेज अभिनेत्री के साथ हुआ था? पास। जेनिफर। सॉरी, आई विल गिव इट टू यू, जेनिफर केंडल। आपका समय समाप्त। वेल प्लेड पंचमतियाज। इस राउंड में आपका केवल एक पास है और 18 पॉइंट्स हैं आपके, लेकिन 3 गलत जवाब, तो कुल मिलाकर आपके पॉइंट्स हुए 15। वेल प्लेड। चारों राउंड्स के बाद स्कोर्स हैं इस प्रकार। पंचमतियाज 55 यानी 55 और हरलंकर्स 57 यानी 57। हरलंकर्स, आप हैं आज के विजेता। हमारी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन। धीरे धीरे हम क्विज के क्वार्टर फाइनल्स के करीब पहुंचते जा रहे हैं। बढ़ते हुए चैलेंजेस के बीच कौन सी फैमिलीज एक चित होकर खेल पाएंगी, ये जानने के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ ऑन डिज्नी क्यू फैमिली मस्टरमाइंड। गुड बाय एंड गुड नाइट।